नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज यादगुरु और मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में भारतीय आधुनिक इतिहास के बारे में, और वन लीनियर क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, टॉप 50 वन लीनियर क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है आपको TGT कमीशन आर्ट्स 2019 और HP एलाइट सर्विसेज 2019 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था, और इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो त्रिपुरी अधिवेशन में इस्तीफा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से, और उसके बाद अध्यक्षता का संकट छा गया था जिसके बाद चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, और यह स्टेटमेंट थी हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, और इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी, और इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने 1904 में साउथ अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, और इसका सही जवाब है 22 दिसंबर 1939 को। तो 22 दिसंबर 1939 को लिबरेशन डे मनाया था मुस्लिम लीग ने। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था, और इसका सही जवाब है चौधरी रहमत अली। तो चौधरी रहमत अली थे जिन्होंने पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, और मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र हो यह सुझाव दिया था मोहम्मद इकबाल ने। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, और इसका सही जवाब है खाद्य एवं कृषि विभाग। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और इसका सही जवाब है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, और इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था, और इसका सही जवाब है सूर्य सेन ने। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंध रखते थे, और इसका सही जवाब है सोशलिस्ट पार्टी। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिए थे, और इसका सही जवाब है स्वामी श्रानंद ने। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, और इसका सही जवाब है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने, और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी 1914 में कलकत्ता में। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ, और इसका सही जवाब है 1947 में। तो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, जिसे भारत पाकिस्तान विभाजन योजना बोला जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी 3 जून 1947 को। सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब हुई, और इसका सही जवाब है 23 मार्च 1931 को, और इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु शहादत दिवस। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था, और इसका सही जवाब है 1946 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, और इसका सही जवाब है 1916 में, और महात्मा गांधी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से। सीधी कार्रवाई दिवस या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, और इसका सही जवाब है 16 अगस्त 1946 को। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे, और इसका सही जवाब है घनश्याम दास बिड़ला। पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था, और इसका सही जवाब है दलित वर्ग से, और पूना पैक्ट साइन किया गया था महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई, और इसका सही जवाब है 1928 में, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडर थे भगत सिंह। तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद दोनों मिल गए थे, उन्होंने यहाँ पर प्लान किया था सैंडर्स हत्याकांड। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, इसका सही जवाब है 9 अगस्त 1942 को, और इसीलिए इसे बोला जाता है अगस्त क्रांति, और इसी दौरान महात्मा गांधी 23 दिन की भूख हड़ताल पर रहे थे। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई, और इसका सही जवाब है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919, जिसके बाद 1 अक्टूबर 1919 को अंग्रेजी सरकार को हंटर आयोग को नियुक्त करना पड़ा इस विरोध को शांत करने के लिए, जिसमें 5 अंग्रेज सदस्य और 3 भारतीय सदस्य शामिल थे, और ये 5 अंग्रेज सदस्य थे लॉर्ड हंटर जो इस आयोग के अध्यक्ष थे, जस्टिन रैकिन, राइस, मेजर जनरल जॉर्ज बैरो और सर थॉमस स्मिथ, जबकि इसमें 3 भारतीय थे सर चमन लाल सीतलबाड़, दूसरा नाम था साहबजादा सुल्तान अहमद, और तीसरा नाम था जगत नारायण का। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, और इसका सही जवाब है भगत सिंह। तो भगत सिंह ने दिया था लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन का नारा, जबकि
इंकलाब का नारा दिया है मोहम्मद इकबाल ने। भारत पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया और इसका सही जवाब है सर सिरिल रेडक्लिफ ने, और यह चीज इन्होंने की थी लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत। माना जाता है कि 45 दिन के अंदर अंदर यह रेखा खींची गई थी जिसे हम जानते हैं रेडक्लिफ लाइन के नाम से। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को कहा था और यह नाम उन्हें किसने दिया था और इसका सही जवाब विंस्टन चर्चिल ने, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया, इसका सही जवाब है शौकत अली और मोहम्मद अली ने, और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1919 में और यह पहला जन आंदोलन था अंग्रेजी सरकार के खिलाफ और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। पाकिस्तान की मांग 1940 में किस अधिवेशन में की गई और इसका सही जवाब है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, और पाकिस्तान की मांग करने वाले थे मोहम्मद अली जिन्ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ और इसका सही जवाब है 1935 में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही बोला जाता है भारतीय संविधान की आधारशिला यानी माइलस्टोन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैबिनेट मिशन प्लान कब बना और इसका सही जवाब है 1946 में, और कैबिनेट मिशन प्लान के अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस, और इसके अलावा दो और सदस्य इस कमीशन में मौजूद थे, और इस कमीशन का गठन हुआ था भारत में संविधान सभा चुनने के लिए। दांडी यात्रा कब आरंभ हुई और इसका सही जवाब है 12 मार्च 1930। तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली, और दांडी यात्रा में महात्मा गांधी और उनके 79 अनुयायी शामिल थे, और ये यात्रा शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से 12 मार्च को और ख़त्म हुई थी 6 अप्रैल 1930 को दांडी तट तक, और 6 अप्रैल को ही तोड़ा गया था अंग्रेजों द्वारा पारित किया हुआ नमक कानून। चोरा चोरी कांड किस स्थान पर हुआ था और इसका सही जवाब है यूपी के गोरखपुर में। तो चोरा चोरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, जिसमें क्रांतिकारियों ने वहाँ पर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, और इसी घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ और इसका सही जवाब है 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया और इसका सही जवाब है 1919 में, और रॉलेट एक्ट ही कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे, क्योंकि लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने उतरे थे जलियांवाला बाग में, और उस विरोध को रोकने आया जनरल डायर, जिसने अंधाधुंध फायरिंग की और 300 से ज़्यादा लोग उस भगदड़ में मारे गए। तो रॉलेट एक्ट को बोला जाता है भारतीय इतिहास का काला कानून। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, इसका सही जवाब है 5 मार्च 1931 को शिमला में महात्मा गांधी और तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था और इसका सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो अंग्रेजी सरकार इस समझौते के माध्यम से महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन वापिस लेने के लिए मजबूर करना चाहते थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे और इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारत का अंतिम वायसराय भी रहा। काकोरी षड्यंत्र के नायक कौन थे, इसका सही जवाब है रामप्रसाद बिस्मिल, और काकोरी षड्यंत्र हुआ था 1925 में। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, इसका सही जवाब है चित्रंजन दास मुंशी और मोतीलाल नेहरू ने। किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई और इसका सही जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 23 फरवरी 1942 को कोरोइड इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी करने वाले नेता कौन थे और इसका सही जवाब है सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, इसका सही जवाब है जनरल ओ डायर ने। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था और इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहां पर मनाया और इसका सही जवाब है कलकत्ता में। भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ, इसका सही जवाब है माउंटबेटन योजना के तहत। महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ किसने की, इसका सही जवाब है 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में, और उनकी हत्या करने वाले शख्स का नाम था नाथुराम गोडसे। स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था और इसका सही जवाब है राजा जी सी गोपालाचारी। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे, इसका सही जवाब है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि हुआ था लंदन में, और यह इकलौता गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी यहां पर शामिल थे, जबकि पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में ना तो कोई कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा गया और ना ही महात्मा गांधी। और इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे नेता का नाम जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे, और उनका नाम था बी आर अम्बेडकर। असहयोग आंदोलन 1920 के शुरू होने के
समय भारत का वायसराय कौन था, और इसका सही जवाब है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, और इसका सही जवाब है देश बंधु चितरंजन दास। ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस भारतीय आधुनिक इतिहास से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगले 50 क्वेश्चंस में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ अगली वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।